यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लग्जरी सलवार की कटिंग करना बताऊंगी और इस वीडियो में आप परफेक्ट सलवार बनाना सीख जाएंगे। ये मैंने कपड़ा लिया है और ये कपड़े की चौड़ाई है और ये कपड़े की लंबाई है। लंबाई और चौड़ाई दोनों में से कपड़ा मैंने मोड़ के रख लिया है, यह आप देख सकते हैं। ये इसकी चौड़ाई है, ये देखिए चौड़ाई में से भी हमने मोड़ लिया है कपड़ा। अब हम कपड़े की लंबाई देखेंगे। देखिए ये मोड़ने के बाद हमारा जो कपड़ा है ये 2 मीटर से कम है और 1.25 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये कपड़ा कम है और हम ज़्यादा घेर वाली सलवार बनाएंगे, तो बेल्ट हम ये कमीज के कपड़े में से लगाएंगे। ये मैंने कमीज के कपड़े में से बेल्ट की कटिंग कर रखी है। मैं आपको इसकी लेंथ बता दूँ। देखिए कपड़ा मैंने ऐसे फोल्ड करके रख लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो 23 इंच रखी है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 8 इंच रखी है, क्योंकि यहाँ पे जो निशान है यहाँ से हम नेपा के लिए इसको 2 इंच मोड़ देंगे। तो यहाँ से हम इसको नेपा के लिए मोड़ेंगे, तो कंप्लीट होने के बाद ये हमारी जो बेल्ट है 6 इंच की रह जाएगी। अब देखिए इस कपड़े में से हम कली और पाट बनाएंगे। और ये भी मैं आपको बता दूँ, ये प्लेन कपड़ा है। प्लेन कपड़े पे आप या लंबे कपड़े पे कटिंग करो या आड़े कपड़े पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका लाइन वाला कपड़ा है या प्रिंट वाला कपड़ा है तो फिर आपको लंबे कपड़े पे ही कटिंग करनी पड़ेगी, और प्लेन कपड़े पे या आप लंबे पे करो या आड़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आड़े कपड़े में हम कटिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत घेर ज़्यादा आ जाता है सलवार में, तो इसलिए हम ये कटिंग आड़े कपड़े पे करेंगे। तो सबसे पहले हम बीच के पार्ट निकालेंगे, जिनको आप पल्लू भी बोल सकते हैं और पार्ट भी। तो पहले हम ये दोनों साइड के पार्ट के लिए कपड़ा काट लेंगे। यहाँ से हम देखिए बीच के जो पार्ट हैं उनकी चौड़ाई लेंगे 11 इंच। ये देखिए हम 11 इंच से ऐसे फोल्ड करेंगे इसको, और दोनों साइड से हम बराबर देखेंगे। देखिए दोनों साइड से हमारा 11 इंच बैठ रहा है। तो अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे, यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे क्योंकि दोनों साइड के लिए हम पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। और ये हमने दोनों साइड के पार्ट के लिए कपड़ा काट लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब इस कपड़े को हम एक साइड में रख देंगे और पहले हम इस कपड़े में से कली की कटिंग करेंगे। और अब इस कपड़े को हम देखिए चौड़ाई में से तो हम इसको खोल देंगे और लंबाई में से हम इसको वापिस ऐसे मोड़ के रख देंगे, यानी कि फोल्ड करके रख लेंगे। और अब हम इस कपड़े को ऐसे रखेंगे, इस तरह से हमने ये कपड़ा डबल कर लिया है। और ये कपड़ा मैंने ऐसे बिछा लिया है और यहाँ से मैंने ये डबल कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए अब हम इस पे कली की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपनी कली की लंबाई लेंगे। देखिए बेल्ट के लिए हमने ऊपर छोड़ दिया है और ये हम 31.5 इंच पे निशान लगाएंगे बेल्ट का, हम इसमें से डाउन करके। ये हमने 31.5 पे निशान लगाया और एक निशान हम यहाँ पे आसन के लिए लगाएंगे 8 इंच पे। यहाँ पे ये हमने आसन के लिए ले लिया है कपड़ा। और अब हम देखिए इसी तरह से दूसरी साइड में भी लगाएंगे, लेकिन हम उससे पहले ये जो हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम यहाँ से काट देंगे। ये कपड़ा मैंने यहाँ से काट दिया है। अब हम देखिए यहाँ से दूसरी साइड की कली की लंबाई लेंगे, यहाँ से भी हम बेल्ट का कपड़ा डाउन करके और 31.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये मैंने 31.5 इंच पे इधर भी निशान लगा लिया है और यहाँ पे भी हमने ये 8 इंच आसन के लिए कपड़ा ले लिया है। अब यहाँ पे हम 2 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे।
इस तरह से ये हमने 2 इंच पे निशान लगाया और इधर भी हमने 2 इंच पे ये निशान लगाया। ये देखिए, अब हम इस निशान से और इस निशान पे ऐसे लाइन बना लेंगे यहाँ पे। इस तरह से हम दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। ये मैंने निशान लगा लिया है और अब हम इस निशान पे से इसकी कटिंग कर देंगे। और ये मैंने दोनों साइड की 4 कली काट ली हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हमने जो ये दोनों साइड के पार्ट के लिए कपड़ा निकाला है, इसको हम ऐसे लंबाई में से खोलेंगे और इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए, आप देखिए, इस कपड़े को भी हम कली के बराबर ही काट लेंगे। यहाँ से देखिए, ये 31.5 इंच है, तो यहाँ पे भी हम 31.5 इंच पे निशान लगा के और यहाँ से इसको हम काट लेंगे। और देखिए, अब यहाँ से भी हम इसको अलग कर लेंगे। और ये हमारे दोनों साइड के पार्ट की कटिंग हो गई है, ये आप देख सकते हैं। और ये दूसरी साइड का है और ये हमने इसकी बेल्ट की कटिंग कर रखी है पहले से ही। बेल्ट को हम साइड में रखेंगे, तो यहाँ पे हमने बेल्ट रख ली है और यहाँ से हमने ये नेपा के लिए फोल्ड करना है। और यहाँ पे हमने सिलाई के लिए यहाँ पे चढ़ा के रखा है। अब हम यहाँ से आसन की लंबाई देखेंगे। ये देखिए, ये 14 इंच है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे सिलाई में जाएगा तो ये 13.5 इंच आसन हमारा कंप्लीट रह जाएगा। और ये मैंने कटिंग कंप्लीट कर ली है, इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। आपको ये कटिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।